का नियम है, अष्टांग हृदय का भी वो नियम है, और सभी ऋषि ऐसा बोलकर गए हैं कि जो जिंदगी स्वस्थ रखनी है तो ठंडा पानी मत पीजिए, पानी गर्म करके पीजिए, कम से कम उतना गर्म हो जितना गर्म आपका शरीर है, क्योंकि गर्म पानी शरीर को बहुत तरह से सफाई कर देता है, टॉक्सिक वेस्ट को शरीर के बाहर निकाल के फेंकता है, पचने में भी मदद करता है, शरीर के पूरे तंत्र को व्यवस्थित रखता है। हल्का गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म भी नहीं ज्यादा ठंडा भी नहीं, दूसरा ये नियम है। तीसरा ये नियम है कि आप जो भी खाना खाइए ताजा खाइए, खाना चबा चबा के खाइए, क्योंकि भारत में चबाने का बहुत महत्व है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में क्या है ना, ठंडी है, मैंने आपको बोला ना ठंडी है, तो ये जो जबड़े है ना ये फ्लेक्सिबल नहीं, तो ज्यादा चबा नहीं सकते, तो जो भी कुछ है जल्दी जल्दी निगल निगल के खाते हैं वो, हमारे तो जबड़े बहुत फ्लेक्सिबल है तो हमको तो चबा चबा के खाना है। और यूरोप में एक और मुश्किल है कि उनके जो मसूड़े हैं ना बहुत कड़े हैं, और कड़े मसूड़ों को साफ करना वो ब्रश से ही संभव है, हार्ड है बहुत, तो वो ब्रश करते हैं। आप मत उनकी नकल करिए, आपके मसूड़े तो बहुत सॉफ्ट है, इतने सॉफ्ट है कि थोड़ा भी ब्रश आ रहा तिरछा चल गया तो खून ही खून निकलेगा, तो उनकी नकल करके टूथब्रश मत करिए, फिर क्या करें, दंत मंजन है हमारे पास, और अगर ब्रश ही करना है तो नीम के दातुन से अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि उसके ब्रसल्स बहुत सॉफ्ट होते हैं, प्लास्टिक के ब्रश के ब्रसल्स की तुलना में वो बहुत सॉफ्ट है। तो दातुन करना शुरू कर दीजिए, दंत मंजन करिए, तो दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। पानी कभी भी ठंडा मत पीजिए, तो दांत सुरक्षित रहेंगे, गला भी सुरक्षित रहेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, हमेशा गुनगुना पानी पीजिए। और आप तो अगर जैन दर्शन मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, तो आप जानते हैं कि ज्यादा देर रखा हुआ पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसमें जीव वृद्धि होती है, तो ताजा पानी बना के पीते रहे, ताजा पानी बना के माने हर समय हल्का गुनगुना करके पीते रहे। चौथा नियम यह है स्वस्थ रहना, निरोगी रहना, कि खाना खाइए तो खूब अच्छे से चबाइए, क्योंकि आपके मसूड़े तो फ्लेक्सिबल है, यूरोप में नहीं है, और इतनी बार चबाइए जितने दांत हैं आपके। एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर अपने अपने दांत गिन लीजिए, किसी को 32 होंगे, किसी को 30 होंगे, किसी को 28 होंगे, तो रोटी का एक टुकड़ा मुंह में डाला तो उतनी बार चबाइए, जैसे 32 दांत है तो 32 बार चबाइए, 30 है तो 30, 28 है तो 28, खूब चबा के खाना खाइए। आयुर्वेद कहता है खाने को इतना चबाइए कि लार के साथ खाना मिले और पानी की तरह से उतर जाए, तो जिंदगी में कभी कोई बीमारी आने की संभावना नहीं। फिर ऐसे ही नियम है एक छोटा सा कि पानी पीजिए तो घूट घूट भर के पीजिए, जैसे गर्म दूध पीते वैसे पानी पीजिए, सिप करके पानी पीजिए, ताकि ज्यादा लार शरीर में जाए। लार जो है ना वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रखती है, तो घूट घूट पानी पिएंगे तो बहुत लार जाएगी, गटगट गटगट पिएंगे तो बहुत थोड़ी सी जाएगी। एक स्वस्थ मनुष्य को जिंदगी भर स्वस्थ रहना हो तो हर दिन 4.5 से 5 लीटर लार की आवश्यकता है, वो सिप करके ही संभव है। और आप आज से ये शुरू करिए सिप करके पानी पीना, तीसरे दिन से आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको भी एड़ियों में दर्द है ना 3 दिन में गायब हो जाए, अगर घुटने में दर्द है ना 6-7 दिन में ठीक हो जाए, कोई भी ज्वाइंट स्पेन है 12-13 दिन में चला जाए, कितनी भी भयंकर संधिवात हो सिप करके पानी पीजिए। और एक सिप में उतना ही पानी लीजिए 1 चम्मच के बराबर, उसको थोड़ी देर मुंह में घुमाइए फिर पीजिए। अगर आपका वजन बहुत बढ़ गया है तो 1-1.5 महीने में ही 5-6 किलो कम हो जाएगा अपने आप, बिना कोई दवा खाए, सिप करके पानी पीने से। अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त अमेरिका से लौटा है, उसका 140 किलो वजन हो गया था, तो उसको अमेरिका की जिस कंपनी में नौकरी करता था निकाल दिया, क्योंकि वहां नौकरी से निकालने में 1 मिनट लगता है किसी को, वहां जॉब कभी भी सुरक्षित नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, निकाल दिया। और उसको एक्सप्लेनेशन दिया कि हम आदमी को नौकरी पे रखते हैं, हाथी के बच्चे को नहीं रखते, 140 किलो का। अब वो बेचारा बहुत घूमा, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये हॉस्पिटल, वजन कम हो जाए किसी तरह से, नहीं हुआ। अब आ गया भारत, एक दिन तो वो जॉन हॉपकिंस में चला गया तो वहां बोला कि आपकी ऊपर से कुछ खाल छीर देंगे, वजन कम हो जाएगा, मास्क काट के निकाल देंगे। अब वो कहे अरे मुझे तो ये नहीं कराना, वापस आ गया, बेंगलोर में रहता है। एक दिन कहने लगा राजू भाई आप कुछ बताओ, मैंने कहा कुछ मत करो, पानी गुनगुना पियो और सिप करके पियो। अभी 9 महीने से वो ऐसे ही कर रहा है, अब वजन उसका 70 किलो, बिना कोई दवा के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी योग, बिना किसी प्राणायाम के, खाली सिप करके पानी पीने का ये चमत्कार। तो आप बहुत सारी बीमारियां इसी से ठीक कर सकते हैं। आपने देखा कुत्ता कैसे पानी पीता है,
कुत्ते को सुना कभी डायबिटीज होता है? कभी नहीं होता। चिड़िया होती है ना, चिड़िया कैसे पानी पीती है? एक चोंच में एक ड्रॉप उठाएगी, फिर पिएगी, फिर थोड़ी देर रुकेगी, फिर दूसरी ड्रॉप, फिर पिएगी, फिर रुकेगी। चिड़िया को ना संधिवात होता है, ना जॉइंट पेन होता है, ना डायबिटीज होता है, ना कैंसर होता है, ना हाइपरटेंशन होता है, ना माइग्रेन होता है, कुछ नहीं होता, वो स्वस्थ है, मस्त है। हमको ये सब क्यों होता है? जिस भगवान ने चिड़िया बनाई है उसी ने हमको भी बनाया। जो आत्मा उसमें है वही आत्मा हम में है, जो ऑर्गन हमारे हैं वही ऑर्गन उसके हैं, बस वो खाने पीने का ध्यान रखती है। चिड़िया कभी रात को नहीं खाती, मनुष्य रात के 12-12 बजे भी खाता रहता है। चिड़िया कभी भी खाने के साथ पानी नहीं पीती, सवेरे खाना खाएगी, दोपहर को पानी पिए, पानी के साथ कभी खाना नहीं खाती। सब जानवर इस नियम का पालन करते हैं, जो सबसे मूर्ख भैंस है वो भी इसका पालन करती है। सवेरे भरपेट खाना खाएगी भैंस और दोपहर को 11 बजे पानी पिएगी, लेकिन मनुष्य जो है ना वो भैंस से भी गया पीता है। वो खाने के साथ गटागट गटागट 2 गिलास 3 गिलास 5 गिलास पीते रहता। आयुर्वेद में ये सूत्र है, भोजनांते विषम वाहि, मैंने भोजन के अंत में पानी पिया तो विष पी लिया। तो आप भोजन के बाद पानी मत पीजिए, 1-1.5 घंटे के बाद पीजिए, पानी सिप करके पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। सवेरे उठते हैं ना तो अपने दिन की शुरुआत पानी से करिए, चाय से नहीं। जो लोग सवेरे दिन की शुरुआत पानी से करें और जो सवेरे दिन की शुरुआत चाय से करें, दोनों जमीन आसमान के अंतर। चाय से शुरुआत करने वालों को 68 बीमारियां होंगी, 68, और जो सवेरे पानी से शुरुआत करें दिन की तो उनको बीमारी ही नहीं। तो आप बोलेंगे कितना पानी पिए, कम से कम 1 गिलास तो पी लीजिए, उठते ही पी लीजिए, 2 गिलास पिए और अच्छा है, 3 गिलास पिए तो सबसे अच्छा है। पानी पीते ही क्या होता है, इंटेस्टाइन साफ हो जाती है, दोनों बड़ी और छोटी आंत दोनों साफ होती है। और दोनों आंत अगर साफ है रोज तो आप चिंता मत करिए, जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई मैंने, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया। चिकनगुनिया पिछले साल भर से भारत में फैल रहा है, 70,000 मरीजों का मैं इलाज किया हूं, अभी तक मुझे चिकनगुनिया नहीं हुआ। कर्नाटक में मैंने किया, महाराष्ट्र में किया, गुजरात में, अब राजस्थान में भी किया। सब लोग मुझे यही पूछते हैं, आप कौन सी दवा खाते हैं, वही हमें बता दो। मैं उनसे कहता हूं मैं दवाई नहीं खाता, लेकिन मैं आयुर्वेद के सभी नियमों का बहुत कट्टरता से पालन करता हूं। सवेरे उठने पर पानी नहीं मिला तो उतनी देर में टॉयलेट में नहीं जाता, मिलेगा पानी तभी जाऊंगा, और उठते ही पानी पीता हूं, मुंह भी नहीं धोता, दांत भी साफ नहीं करता, रात को दांत साफ करके सो जाता हूं। पानी कभी भी पीता हूं सिप करके पीता हूं, और ठंडा पानी बर्फ डाला हुआ कभी नहीं पीता, खाने के हमेशा 1-1.5 घंटे बाद पानी पीता हूं, कभी कभी 2 घंटे बाद भी पीता हूं। ये छोटे छोटे नियम का पालन मैं करता हूं, 18 साल से मैं स्वस्थ हूं, आप ही हो सकते हैं। मैं बस इतना ही है, यूरोप की नकल नहीं करता किसी का, अमेरिका की नकल नहीं करता, वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, ये मैं कभी नहीं करता। पहले मैं बहुत सोचता हूं कि ये करना है नहीं करना है, अपने लिए काम का है नहीं काम का है, ये सब सोच विचार के अगर जीवन में आप फैसले लेना शुरू करें, मुझे नहीं लगता कि आप बीमार पड़ेंगे। बहुत लोगों को छोटी छोटी ये बातें आप बताएं, आप स्वयं करें, आप स्वस्थ हो जाएं, परिवार स्वस्थ हो जाए, जीवन आपका सुखी हो जाए। मानसिक बीमारियां अगर आपको हैं या जिंदगी भर उनसे बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद का एक छोटा नियम पालन करते रहिए कि रात को जब सोएं तो सूर्य की दिशा में सिर रखिए, पूर्व दिशा में सिर करके सोइए, और कोई बहुत मजबूरी आ जाए तो दक्षिण दिशा में कर लीजिए, उत्तर और पश्चिम को हमेशा छोड़िए। सोने के लिए नहीं है ये उत्तर और पश्चिम की दिशा, पूजा करने के लिए है, अध्ययन करने के लिए है, सोने के लिए तो पूर्व और दक्षिण। जितने दिन आप पूर्व की तरफ सिर करके सोते रहेंगे कभी भी आपको मानसिक बीमारियां नहीं आएंगी, और कम से कम नींद नहीं आने की जो बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी छोटी सी बात है, हम कर सकते हैं, अपने घर के बेड की दिशा बदल दीजिए, आज ही चेंज कर लीजिए। अगर बेड आपका फिक्स है तो उसको आज चेंज कर लीजिए, नहीं तो जमीन पे सोए तो फ्लेक्सिबल है, जब चाहे दिशा बदल सकते हैं। और 2-3 छोटी-छोटी बातें हैं कि आप कभी भी खाना खाएं तो यूरोप और अमेरिका की नकल करके मत खाइए, जैसे कुर्सी मेज पे बैठ के स्टैंडिंग पोजीशन में। आप कहीं जाते हैं शादी ब्याह बारात में, बुफे सिस्टम है, तो पागल मत बनिए आप, अपना खाना थाली में निकालिए, कहीं आराम से कोने में बैठ के खाइए उसको। इसमें कोई हम छोटे होने वाले नहीं, हमको ये शर्म आती है कि सब खड़े होके खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे तो हम उनको मूर्ख तो वो है,
आप कम से कम उन मूर्खों में इंटेलिजेंट रहिए। और कोई पूछेगा कि क्यों बैठ के खा रहे हो, तो उनसे कहो कि मेरे घुटने अभी काम करते हैं, कमर भी काम करती है, दोनों फ्लेक्सिबल है, हम बैठ सकते हैं। जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पे खाना ना खाके जमीन पे बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्र सकते हैं। जब नहीं बैठ पाएंगे तब सोचेंगे खड़े खड़े खाएं। तो घर में डाइनिंग टेबल पर खाना ना खाके जमीन पर बैठ के खाएं। भारत में सबसे अच्छे खाने की पद्धति है सुखासन में बैठ के खाना, और खाने के बाद 10 मिनट कम से कम वज्रासन जरूर करें, दोपहर को हो या शाम को। और दोपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम करें, पहले 10 मिनट वज्रासन फिर 20 मिनट विश्राम। और रात को अगर खाना खाया तो 10 मिनट का वज्रासन करके टहलने को जरूर जाएं, कम से कम 500-700 कदम चलें, 1000 कदम चलेंगे तो बहुत अच्छा है। ये मुश्किल से 10-12 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, यही जिंदगी भर आपको निरोगी बना देंगे, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वैसे तो कुल सूत्र 2000 से ज्यादा है, मैंने आपको 10-12 बताए हैं, क्योंकि ज्यादा बताऊं तो आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं। सरल सरल सूत्र है, इनको आज से शुरू करिए। और मेरी आप सबको विनती है कि अपने बच्चों को तो इनका संस्कार दे दीजिए अभी से, उनको आदत डाल दीजिए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, 1 घंटे बाद पीना है। फिर वो कहेंगे गले में खाना फंस गया तो कहो लस्सी पी लो, दूध पी लो, पानी मत पियो। दोपहर का भोजन है तो लस्सी पिला दो, शाम का भोजन है दूध पिला दो, पानी मत पिलाओ, पानी 1 घंटे बाद ही पिलाओ। पानी हमेशा सिप करके पीने की आदत डाल दो उनको, जिंदगी भर पड़ी रहेगी। सवेरे उठते ही पानी पीने की आदत डाल दो, हल्का गुनगुना पानी पीने की आदत डाल दो। उनको जो संस्कार मिल गया तो वो फिर भूलने वाले नहीं है, और वो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। और ये तो कुछ है स्वस्थ रहने के सूत्र। जो गलती से बीमारी आ गई अब क्या करें, तो एलोपैथी की दवा खाएं। एलोपैथी की दवाएं मैंने आपको बताया ठंडे देश में रहने वाले लोगों के हिसाब से बनाई गई है, इसलिए सभी दवाएं गर्म है। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठंडे लोगों के रहने वाले देश के हिसाब से बनाई गई दवाएं हैं, इसलिए सभी दवाएं गर्म है। और गर्म देश में रहने वाले इन गर्म